नमस्कार, एस एम जेड न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। पंजाब में पीएसपीसीएल पीएसटीसीएल के डायरेक्टर नियुक्त जसवीर सिंह और नेमचंद को जिम्मेदारी, लंबे समय से खाली पड़े थे पद। श्रीनगर जम्मू इंडिगो फ्लाइट दो बार पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसी, खराब मौसम की वजह से 15 मिनट तक रही, बाद में अमृतसर में लैंड करवाना पड़ा। नेपाल में इंडियन करेंसी पर अघोषित बैन, 100 रुपए से अधिक की खरीदारी पर नजर। बिहार से सटे बाजार में रोजाना 125 करोड़ का कारोबार प्रभावित। पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी अनुराग वर्मा 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वीके जंजुआ 30 जून को होंगे रिटायर। मणिपुर में 24 घंटे में उग्रवादियों के 12 बंकर ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने 8 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। राज्य के हालात पर पीएम से मिले शाह। दिल्ली में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर 2 लाख लूटे, बाइक सवार 4 बदमाशों ने डिलीवरी एजेंट की कैब रोकी, कैश भरा बैग छीना। 5 राज्यों में 2 दिन में भारी बारिश का अनुमान, हिमाचल के मंडी में 20 घंटे में दूसरा लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम। टेबल टेनिस में भारतीय पेडलर सुतीर्था मुखर्जी और अयका मुखर्जी ने रचा इतिहास, इस साल पहला WTT कंटेंडर जीता, विमेंस डबल के फाइनल में जापानी जोड़ी को हराया। केदारनाथ ट्रैक पर खच्चर को जबरन सिगरेट पिलाने वाला गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, पुलिस की जांच जारी, सिगरेट में गांजा था या नहीं। रूस ने सीरिया पर हवाई हमला किया, 9 की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी, सीरिया ने कहा ये नरसंहार जैसा। बड़ी खबरें कल फिर हाजिर होंगी और भी नई और ताजा खबरों के साथ, देखते रहिए एसएमजेड न्यूज़।